जमशेदपुर आदिवासी सिंगल अभियान ने पद्मश्री छुटनी महतो के नेतृत्व में डायन कुप्रथा उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को अभियान के आह्वान पर पद्मश्री छुटनी महतो के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली पूर्व सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंची और डायन कुप्रथा को समाज से समाप्त करने के लिए सभी से अपील की। छुटनी महतो ने बताया कि इसके लिए पुलिस प्रशासन को आगे आना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए ग्रामीणों से जागरूकता का अभाव होना बताया, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हाँ, आज हम लोग ये जो रखे हैं वो जब डायन का नाम बढ़ते रहा है और जो महिला को डायन कहता मेरा कर्जा लो में आके रो रहा है, मेरे को डायन बोल रहा है, तो हम थाना भेज देते हैं। जब थाना भेज देता है तो बोला आप थाना से की छुटनी बड़ा है, आप लोग छुटनी का पास क्यों गए? फिर जिनको डायन कहा उसी को थानेदार लोग डांटता है, तो लोग बोला नहीं सभी का काम करता है इसीलिए हम लोग छुटनी का पास गए, नहीं उनका पास नहीं जाना है, तुम लोग बड़ा बड़ा ये हो रहा है, थाना से बड़का छुटनी नहीं है। तो वो विषय से हम बोला ठीक है, हम बड़ा नहीं है लेकिन जो महिला को डायन कह रहा है वो मेरा पास क्यों आ रहा है? जब थाना अगर संविधान करते तो महिला का ऊपर अत्याचार नहीं होता। हमारा कहने का यही है ताकि थानेदार लोग भी समझे और जो लोग जो ओझा लोग बोलता है उनका भी उनका माँ डायन है, उसका लिए ओझा का भी डाउन होना चाहिए और जेल होना चाहिए। वही सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राज्य के लिए डायन कुप्रथा को अभिशाप बताते हुए इसका समूल नष्ट करने के लिए समाज के हर वर्ग से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही इस कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है। मुर्मू ने डायन कुप्रथा के लिए तीन कारकों का उल्लेख करते हुए इस पर गंभीरता दिखाने की बात कही, साथ ही भरोसा जताया कि 2023 के अंत तक डायन कुप्रथा को राज्य से समाप्त किया जाएगा। छुटनी महतो के नेतृत्व में आदिवासी सिंगल अभियान डायन कुप्रथा उन्मूलन अभियान अभी शुरू किया है। हम लोगों का मामला मानना है कि डायन कुप्रथा अंधविश्वास से ज़्यादा आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। डायन नहीं होते हैं, डायन बनाने वाले होते हैं और तीन प्रकार के बनाने वाले होते हैं। एक ये जो ओझा सोखा गुनी इत्यादि है, झाड़ फूक करके किसी को भी डायन घोषित कर देता है। दूसरा नंबर में आदिवासी गांव में जो स्वशासन व्यवस्था है, माझी परगना मानकी उंडा, ये जो ट्राइबल चिप्टेन है, ये लोग भी डायन बनाते हैं। और तीसरे नंबर में आता है गांव-गांव में कुछ दबंग लोग हैं, लोभी लालची, जो जमीन हड़पना चाहते हैं, विधवा महिलाओं के साथ अत्याचार करना चाहते हैं, रंगदारी लेते हैं, दबदबा बनाना चाहते हैं। तो पुलिस प्रशासन को हम लोग सक्रिय बनाने के लिए कल सरायकेला जिला में हम लोग डीसी से नहीं मिल सके, एसपी से मिले, आज डीसी से भी मिलेंगे। तो पुलिस प्रशासन को हम लोग सक्रिय बनाना चाहते हैं कि आदिवासी गांवों में मूलवासी गांवों में ये जो डायन का मामला है ये वास्तव में अंधविश्वास से ज़्यादा आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।